ठीक है ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ओके. गुड मॉर्निंग ऑल. इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक दैट वी कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. इन प्रीवियस लेक्चर वी समराइज्ड सम चैनल एंड सम रिमेनिंग टॉपिक्स आर देयर. इन दिस लेक्चर वी विल कंसीडर ऑल दैट टॉपिक दैट रिमेनिंग इन द प्रीवियस लेक्चर. जो हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग कुछ डिस्कस किए थे चैनल के रिगार्डिंग, एंट्रोपी के रिगार्डिंग, एंट्रोपी के कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे. एक अल्फाबेट वाला न्यूमेरिकल था जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, है ना. फिर मैंने वहां पे आप लोगों को बताया कि व्हेन वी ट्रांसमिट एनी सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिटर टुवर्ड्स रिसीवर देन ऑलवेज देयर इज अ व्हेन वी ट्रांसमिट अ सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिटर टू रिसीवर व्हेन वी ट्रांसमिट अ सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिटर टू रिसीवर सो देयर विल बी ऑलवेज अ चैनल. If the information is discrete, the channel is known as discrete channel, है ना? फिर मैंने बताया था कि काफी सारे channels होते हैं, जो दोनों के बीच में चलते हैं, transmitter और receiver के बीच में. The medium between transmitter and receiver is known as channel, है ना? ये हमारा wireless हो सकता है, wireless. बात समझ रहे? जब हम digital information transmit करते हैं, तो जो हमारे discrete information transmit होती है, जब हम डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं या ऐसा कहूं जब हम लोग इन फॉर्म ऑफ बिट्स जब हम लोग कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं उस समय हमारे चैनल्स किस किस टाइप के होते हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं. क्लियर बात? इन्हीं चैनल्स में से एक पहला टॉपिक था. जब भी कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है ट्रांसमिटर से रिसीवर तो चैनल से क्यों के पास होती है ना. तो मैंने बताया तो बहुत सारे टाइप के चैनल्स होते हैं. तो एक टाइप का चैनल जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था कौन सा क्या था लॉसलेस चैनल. तो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था लॉसलेस चैनल, है ना. लॉसलेस चैनल मैंने आप लोगों को समझाया भी था, पता नहीं आप लोगों को कितना याद होगा नहीं होगा. लॉसलेस चैनल मैंने बताया था कभी भी किसी भी चैनल का हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी चैनल का हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी का यूज करना होता है. बात समझ आए? किसी भी चैनल का एनालिसिस करने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं तो उस प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है जो चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है उस चैनल को उस प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है चैनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Is it clear? जो प्रोबेबिलिटी किसी भी चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उस प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और चैनल प्रोबेबिलिटी और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है p y by x, है ना. तो कभी भी अगर आप लोगों को p y by x रिप्रेजेंट किया गया होगा p stands for probability, y is the symbol that is received in the receiver side and x is the symbol that is transmitted from the transmitter side. अगर मेरे पास बहुत सारे इनपुट है x1, x2, x3, x4 अगर मेरे पास बहुत सारे इनपुट मैसेज है तो श्योरली मेरे पास बहुत सारे आउटपुट मैसेजेस भी मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग. बात यहाँ तक क्लियर है? अगर मेरे पास बहुत सारे इनपुट है x1, x2, x3, x4 तो बहुत सारे आउटपुट भी मिलेंगे मुझे. बात यहाँ तक क्लियर है आपको? तो जब ये चैनल जब कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी कोई भी ट्रांसमीटर से रिसीवर, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी ट्रांसमीटर से रिसीवर तो जिस पाथ के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमारे चैनल पाथ है और इसी चैनल पाथ की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस p by x का यूज करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे x और y के बीच में एक लाइन खींची है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा p by x1 से क्योंकि ये y1 और x1 के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं यहाँ पे y4 लिखा और x4 लिखा दोनों के बीच में चैनल बनाया है तो इस चैनल की प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं मेंशन करूंगा y4 by x4 इसकी प्रोबेबिलिटी को मेंशन करूंगा मैं y4 by x4. क्लियर है आपको? वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं ये वाली जो लाइन दिख रही है दिस वन इज द कनेक्शन बिटवीन आउटपुट y2 एंड इनपुट x3 तो इस प्रोबेबिलिटी को मैं मेंशन करूंगा y3 by x3. बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जितने भी कनेक्शन होते हैं उनको हम लोग इस प्रोबेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं. बात समझ में? तो जब इतनी सारी प्रोबेबिलिटी को बेटा जितने भी हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ से मिल रही है चैनल की जितने भी सारी प्रोबेबिलिटी मिल रही है जब इन सारी प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली इन सारी प्रोबेबिलिटी को जब एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा
जब मैं इन सारी प्रोबेबिलिटी को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, सो दिस दिस मैट्रिक्स इज नोन एज चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और इट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. ध्यान रखिएगा इस चीज को. When we represent all the probabilities of the channel, when we represent all the probabilities of the channel by using a single matrix, then this type of matrix is known as channel probability matrix. ठीक है? और ये जो हमारे channel probability matrix होती है ना, इस channel probability matrix को हम सारी probabilities को mention करते हैं. बात यहाँ तक समझ में? अब ये जो हमारी matrix होती है ना, इसमें जो number of rows है ना, जो number of rows होगी, वो number of inputs को represent कर रही है. है ना? अगर हमारे पास आप लोग यहाँ पे देखिए दिया रहा था 4 इनपुट्स, है ना, दिया रहा था 4 मैसेजेस, तो उस समय जब इसके लिए मैं डायग्राम बना रहा तो ये हमने अभी 4 रोज कंसीडर करनी पड़ेगी. बात क्लियर है? अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट में भी अभी यहाँ पे 4 है, तो एट द टाइम यू ऑल्सो कंसीडर द 4 कॉलम्स. हमें यहाँ पे 4 कॉलम्स कंसीडर करने पड़ेंगे. बात यहाँ तक समझ में? और हर यहाँ जो दोनों का ज्वाइंट मिल रहे हैं, हमने हर एक ज्वाइंट में प्रोबेबिलिटी मेंशन करनी होगी. जैसे यहाँ पर दोनों मेंशन करेंगे तो ऐसा आप लोग जो हमारा अगला कॉलम है इसमें y की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और जो चेंज हो रही है वो डिनोमिनेटर पार्ट की x की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पे रोज चेंज हो रही है और रोज हमारे इनपुट को रिप्रेजेंट करता है. तीसरा वाला रिप्रेजेंट करेगा y2 by x2 और लास्ट वाला रिप्रेजेंट करेगा y y1 y2 तो सॉरी y1 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 ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x4. बात यहाँ तक आई थी आप सभी लोगों को क्लियर हो रही होगी, है ना? अगर मैं इसी को ठीक से कहीं आप लोगों को रिप्रेजेंट करूँ कि सपोज मैं 4 बाय 4 की अगर एक मैट्रिक्स बनाया तो ये कैसे दिखेगी, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय x से. अगर हम इसको ऐसे इंक्लोज कर देते हैं इट मींस वी रिप्रेजेंट द चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. अब इसको आराम से लिखे बिना y1 बाय x1, है ना, जो हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा p y1 बाय x2, थर्ड हो जाएगा थर्ड रो क्या बनेगी y1 बाय x3, फोर्थ हमारी क्या हो जाएगी p y1 बाय x4. बात समझ रहे? क्योंकि हमने यहाँ पे 4 रोस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 रोस हैं, तो x1 x2 x3 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 x4 इसके लिए हमने यहाँ पे 4 ले लिए. क्लियर बात है? तक समझ में? वैसे y1 की जितने हमारे पास आउटपुट है ये 2 3 4 जितने आउटपुट्स है उसके करेस्पोंडिंग ये सारे हमारे आउटपुट्स हो जा रहे हैं. y2 by x1 p of y2 by x2 probability of y2 by x3 and the last one is probability of y2 by x4. Is it clear? वैसे ही probability of y3 by x1, y3 by x2, y3 by x, y3 by y3 by x3 and the last is y3 by x4. Same as last one, y4 by x1, y4 by x2, y probability y4 by x3 and the last one is probability of y4 by x3 x4. है ना? ये हमारी इस टाइप की जो हमारी मैट्रिक्स बनती है इट इज नोन एज चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. क्लियर है? अब ध्यान देना इसमें तो जो भी चैनल पर जो चैनल दो चैनल के जो इनपुट्स होते हैं और जो आउटपुट्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है बेटा उसको इसी प्रोबेबिलिटी के टर्म में मेंशन किया जाता है. बात समझ रहे हैं? तो लॉसलेस चैनल आई थिंक ये समझ रहे हैं, है ना? तो लॉसलेस चैनल ऐसे चैनल को कहा जाता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है. लॉसलेस चैनल्स ऐसे चैनल्स को कहा जाता है जिनकी प्रोबेबिलिटी को जब मैं चैनल प्रोबेबिलिटी के टर्म में मेंशन करूं तो हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए. बात समझ में? हर एक कॉलम में एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए. मतलब क्या? मतलब ये सपोज मैं एक मैट्रिक्स बना रहा, ध्यान दीजिएगा सर, सपोज आई ड्राइंग अ मैट्रिक्स लाइक मैट्रिक्स ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक छोटी सी मैट्रिक्स बना रहा हूं ताकि आप इजीली समझ. मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1/2, 1/2, 1/2, 0,
जीरो 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 जीरो। मैंने एक सिंपल एक मैट्रिक्स मेंशन किया बेटा, है ना। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर कॉलम की बात अगर करें, हम हर एक कॉलम को अगर आप यहाँ पे चेक करें तो हर एक कॉलम में एक ही आप लोगों को नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहा है, है ना। जैसे इस वाले कॉलम में सिर्फ यहाँ एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इस वाले कॉलम में सिर्फ एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इस वाले कॉलम में सिर्फ एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो ये इस टाइप के आप इसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम लोग चैनल फॉर्म करेंगे, है ना। अब चैनल कैसे फॉर्म करेंगे उसके लिए हमें देखना होगा कि कितनी रोज है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे देयर आर द थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स, क्लियर है। तो जब मैं इसके लिए चैनल का रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे यहाँ पे तीन रोज लेनी होगी और यहाँ पे तीन कॉलम्स लेनी होगी, क्लियर है। तीनों रोज को मैंने मेंशन कर दिया एक्स वन एक्स टू, तीनों इनपुट को मैंने मेंशन कर दिया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, आउटपुट को मैंने मेंशन कर दिया रिप्रेजेंट आउटपुट एज वाई और वाई। Now, this what we do is the interconnection between y1 and x1. Clear? First element of this matrix represented the interconnection between first output and first input. That is, जहाँ पे हमारे लिए सिंपल ये पार्ट पड़ेगा और इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बन रही है। Clear? अब यहाँ पे देखते हैं, ये है y1 by x1, ये है y1 by x2. y1 by x2 की वैल्यू है 0, इसका मतलब है y1 और x2 के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, है ना। ओके, यहां पे 0 दिए, ये किस पर रिप्रेजेंट कर रहा है y1 by x3, इसका मतलब ये हुआ कि y1 और x3 के बीच में भी कोई भी कनेक्शन नहीं, क्लियर है। चलो ये बात देखते हैं, दिस वन रिप्रेजेंट y2 by x1 की वैल्यू 0 है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। दिस वन रिप्रेजेंट y2 by x2, इसका मतलब है y2 और x2 के बीच में इंटरकनेक्शन है, इसकी वैल्यू जो आपने मैंने नंबर की वैल्यू की क्योंकि आप नंबर की वैल्यू, क्लियर। वैसे ही अगर मैं यहां पे देखूं दिस वन रिप्रेजेंटेड द इंटरकनेक्शन बिटवीन y1 एंड y y3 एंड x1, y3 एंड x1। तो आप लोगों को कुछ यहां पे इस टाइप का एक डायग्राम आप लोगों को यहां पे देखिए, यहां पे मैंने यहां पे 1 1 बाय 2 लिखा है, क्लियर बात है। तो कुछ ऐसा आप लोगों को एक डायग्राम मैंने बनाया है, क्लियर है तक आप लोगों को सबको समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है। बस आप लोग यहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को क्योंकि एग्जांपल बता रहा था एक्स थ्री का कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ अभी आप लोग एक्स थ्री का कोई कनेक्शन नहीं हुआ, मतलब एक्स थ्री अभी कंसिडर नहीं किया जा रहा, मतलब समझ में आया। दैट मीन्स मैंने जो बनाया है मैंने कुछ ऐसा बनाया है, दो इनपुट्स और how many outputs are there? Three outputs. Okay, X3 का आप देखिए, X3 पे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो X3 को मुझे कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में? तो आप लोग इसको सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं क्योंकि दो रोज हैं, तीन कॉलम्स हैं, इसलिए यहाँ पे तीन आउटपुट्स हैं। ओके, सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ lossless channel when we represent the probability in the matrix and we get our one non zero element in the probability channel probability matrix, then this type of channel is known as lossless channel. क्लियर है। आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप लोग कुछ अपनी तरफ से घर पे ड्रॉ कीजिएगा, आप लोग नंबर ऑफ इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट लेने के लिए आप लोग इंडिपेंडेंट है या आपके ऊपर है कि आप लोग कितने कंसिडर करना चाहते हैं, बाकी मुझे सिर्फ यहाँ पे समझाना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, मैं मिटा रहा हूँ, आपको चैनल पॉज करके नोट कर लीजिए, चैनल पॉज करके नोट करके। नाउ द सेकंड चैनल इज नोन एज डिटरमिनिस्टिक डिटरमिनिस्टिक चैनल। Second channel is known as deterministic channel. Now, what is the deterministic channel? अब फिर से इसकी definition आप लोग note कर सकते हैं। Deterministic channel is a channel. Deterministic channel is a channel. Deterministic channel is a channel. When we represent its probability. When we represent its probability. When we represent its probability in channel probability matrix, then we get
only one non-zero element, only one non-zero element, one non-zero element in each rows, one non-zero element in each rows, in each rows. Clear? Now what is the difference between, clear ye aapki definition, theek hai. Now I am asking about what is the difference between lossless and this one, deterministic channel. Kya difference hai? तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना. सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कुछ इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. चलो कैसे बनाया जाए, चलिए अपनी तरफ से हम लोग कुछ एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं. वाई माइनस क्या कहते हैं इसको, पी वाई बाई एक्स स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी. विच प्रोबेबिलिटी? चैनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, जब हम इसको बाउंड करेंगे इस टाइप की मैट्रिक्स के अंदर, नाउ इट इज नोन एज चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. मुझे क्या करना है, कि हमें इच रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, यही हमारे. चलो हम अपनी तरफ से कुछ ले लेते हैं, कितने एलिमेंट है आपके बताइए. हम चलिए पांच इनपुट ले लेते हैं और तीन आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. हम यहाँ पे पांच इनपुट ले लेते हैं, पांच इनपुट है तो पांच रोज है, थ्री आउटपुट्स है तो थ्री आउटपुट्स. ठीक है, हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एक रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए. अपने मन से मैं कुछ भी कर देता हूँ, 1/2 ले लिया, और आप कुछ बताइए, 1/2 ले लिया, यहाँ पे भी 1/2 ले लिया, ठीक, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और क्या करें, यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं, एक 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 और एक, है ना. और क्या किया जाए, या तो यहाँ पे 1/2 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 1/2. ठीक है, अब आप देखेंगे ये पहली वाले रो को देखिए, वी हैव ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट इन दिस रो, है ना. अगर मैं सेकंड वाले रो को कंसीडर करूं, हियर आल्सो वी गेट ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट, हियर वी आल्सो गेट ओनली वन नॉन जीरो एलिमेंट, सेम एज वन नॉन जीरो एलिमेंट, सेम एज वन नॉन जीरो एलिमेंट. Now is it clear? ठीक है, अब बाकी जो भी एलिमेंट्स बचे हुए, बाकी जितने भी पोजीशंस बचे हैं, सब मैं परमुटेट कर देता हूं. 0 0 0 0 0 0 0 क्लियर बात समझ में आई सभी को? ठीक है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रो बनाया, रो और कॉलम का एक पैटर्न बनाया, फिर हमने हर एक ऐसा कुछ अपने मन से ड्रॉ किया कि हर एक कॉलम में, हर एक रो में नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट निकाला, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने मन से मैट्रिक्स फॉर्म किया. क्लियर है, अब इस मैट्रिक्स के लिए मुझे चैनल बनाना है. हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर इन डिटरमिनिस्टिक सेट, हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, 5, व्हाई, बिकॉज़ हियर देयर आर द 5 रोस, समझ में. तो क्योंकि यहां पे 5 रो है, 1 2 3 4 बिकॉज़ यहां पे 5 है, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग आर 5 एलिमेंट इन द इनपुट सेट, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग अ 5 एलिमेंट इन द इनपुट सेट. क्लियर, कितने आउटपुट्स ले लोगे, व्हाई, इनपुट का ट्रांसमिशन x1 से y1 की तरफ हो रहा है, तो मैंने डायरेक्शन कैसे मेंशन कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1/2. क्लियर है, अब बताओ ये कहां है, किसके किसके बीच का प्रोबेबिलिटी, y1 और x2. वेरी गुड, y1 एंड x2, दैट इज y1 x2, दैट इज कुछ ऐसा है, है ना. अब इसकी प्रोबेबिलिटी को भी हम कैंसिल कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारी 1/2 है. Now this one, ये क्या होगा? Y2 and x3. Very good. Y2 and x3. That is ये वाला. Direction को mention कर दिया मैंने. इसकी probability को मैंने mention कर दिया 1/2. Now the fourth one is ये वाला.
वेरी गुड y3 एंड x4 वैल्यू सी मैंने मेंशन कर दिया दिस वन हैविंग द प्रोबेबिलिटी एंड द लास्ट वन दिस वन y1 and x5 y1 एंड x5 दैट वाज y1 एंड x5 क्लियर इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने मेंशन कर दिया वन बाय नाउ दिस टाइप ऑफ चैनल नाउ दिस टाइप ऑफ चैनल इज नोन एज डिटरमिनिस्टिक चैनल बिकॉज़ व्हेन वी रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिटरमिनिस्टिक चैनल बाय यूजिंग चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स एट दैट टाइम वी आर गेटिंग ओनली वन नॉन जीरो इवेंट ईच रोज बात समझ में ऑनलाइन जितने लोग हैं सभी बताइए समझ में आया आप लोगों को यहां पे सभी लोगों को समझ आया उत्कर्ष यस क्लियर जितने लोग ऑनलाइन हैं बताइए सब समझ में आया मैंने डिटरमिनिस्टिक चैनल बताया डिटरमिनिस्टिक चैनल बताइए एक बार ऑनलाइन से भी कमेंट कर दीजिएगा सभी को समझ में आएगा डिटरमिनिस्टिक चैनल ठीक 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 है बेटा वेरी गुड सेकंड वन इज डिटरमिनिस्टिक चैनल नाउ बम्मी डार हम इसको नोट कर लीजिएगा आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये भी रहेगा आप लोग अपनी तरफ से आप लोग एक या दो एग्जांपल डिटरमिनिस्टिक चैनल के लेंगे कुछ स्पेस छोड़ दीजिएगा एक या दो एग्जांपल डिटरमिनिस्टिक चैनल के लेंगे आप लोग इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ डिपेंडेंसी ये है कि हर एक रो में एक ही नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए आप लोग ड्रॉ करके मुझे दिखाएंगे जब भी आप लोग कॉलेज में क्लियर आप लोग प्लीज पॉज करके देख लीजिएगा बना लीजिएगा Now, the third channel is known as noiseless channel. First one is lossless. Second one is deterministic. And the third one is noiseless. Third one is noiseless channel. Note down. Third one is noiseless channel. Good. Third one is noiseless channel. Note down. Noiseless channel. ठीक है ओके नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नॉइसलेस चैनल व्हेन वी रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी चैनल बाय यूजिंग चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स By using channel probability matrix, and we get only one non-zero element in each rows, as well as each column, Then this type of channel is known as noiseless channel. Clear? Then this type of channel is known as noiseless channel. Clear? Okay. तो सबसे पहले इसका मतलब है कि अगर मुझे चैनल बनाना है तो चैनल के पहले मुझे क्या बनाना होगा मैट्रिक्स क्या कहते हैं इसे y1 x को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और चैनल प्रोबेबिलिटी क्लियर कभी भी y1 x होगा बेटा इसका मतलब है कंडीशनल या चैनल प्रोबेबिलिटी याद रहेगा इंक्लोज कर दिया मैट्रिक्स बनाओ इट इज नोन एज चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्लियर हम हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसी मैट्रिक्स हमें बनाना है जिसमें हर एक रो में हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट ये कैसे पॉसिबल होगा हर एक रो में हर एक कॉलम में एक ही नॉन जीरो एलिमेंट इसके लिए ये कंडीशन तो है कि मुझे नंबर ऑफ इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट सेम होना चाहिए तभी ये होगा है ना तो पहली कंडीशन इसके लिए ये है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए क्लियर बात बेटा तो अगर मैं तीन इनपुट्स लिया हूं तो मुझे मैंने तीन रोज बनाई है अगर मेरे पास तीन आउटपुट्स है दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग थ्री कॉलम्स हियर ठीक है ओके अब तीन हर एक रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट रहे साथ ही साथ हर एक कॉलम में भी एक नॉन जीरो एलिमेंट रहे कैसे होगा बताइए वेरी गुड अगर मैं डायगोनली एलिमेंट्स को अरेंज कर दूं अगर मैं डायगोनली एलिमेंट्स को अरेंज कर दूं कुछ ऐसा
कुछ ऐसा अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक रो में भी एक एलिमेंट है एज वेल एज हर एक कॉलम में भी एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा। बात समझ में? तो यहाँ पे इस टाइप के चैनल को हम लोग कहते हैं इसके लिए एक कंडीशन तो आप लोगों को ये समझ में आ गई कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ आउटपुट होंगे। बात याद रखिए, अगर जितने नंबर ऑफ इनपुट है उतने ही नंबर ऑफ आउटपुट आ रहे हैं, इसका मतलब कि चैनल पे कोई भी नॉइस ने उसको इनपुट को डिफ्लेक्ट नहीं किया है। अगर मैंने X1 भेजा था तो X1 ही यहाँ पे जाके इन फॉर्म ऑफ Y1 मुझे मिला। अगर मैंने X2 भेजा था तो वही कोडिंग के बाद यहाँ पे मुझे Y2 के फॉर्म में मिला है। ये जो मैंने X3 भेजा था यही मुझे आउटपुट Y3 के फॉर्म में मिला। बात समझ में? क्योंकि मैंने जो भेजा था मुझे आउटपुट में वही मिल रहा है, दैट्स व्हाई इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है। 1 से रिप्रेजेंट दैट इज कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं थी। बात समझ में? और सिर्फ जो इनपुट भेजा है वही मुझे आउटपुट में मिलेगा, तो मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी को 1/1 कौन सा समझ सकता हूं। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है, सो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉइसलेस चैनल, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉइसलेस चैनल एंड दिस वन इज इट्स चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी नंबर ऑफ इनपुट एंड एनी नंबर ऑफ आउटपुट, बट ओनली वन कंडीशन इज रिक्वायर्ड, दैट नंबर ऑफ इनपुट ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट। Clear? That is number of x is always equal to number of y. That's it. Clear? Note कर लीजिएगा. This one is all about noiseless channel. 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 Now the fourth channel is known as binary symmetric channel. Now the fourth channel is known as binary symmetric channel. Fourth channel is known as binary symmetric channel. Note कर लीजिएगा. इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल इसको बीएससी भी कहा जाता है ना, शॉर्ट में इसको हम लोग बीएससी भी कहते हैं। बीएससी बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल इज अ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल इज अ स्पेशल कॉप इज अ स्पेशल केस ऑफ इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल इज अ स्पेशल केस ऑफ is a special case of symmetric channel is a special case of symmetric channel is a special case of symmetric channel the channel pattern in BSC that is binary symmetric channel. The channel pattern in BSC is always look like आप लोग इस टाइप का एक चैनल पैटर्न बना लीजिए, है ना? ये हमें एक सिमेट्री टाइप का दिख रहा है दो है तो मैंने
अब ऐसा कभी भी अगर इस टाइप का पैटर्न दिखेगा चैनल में तो दिस वन इज द स्पेशल केस, दिस वन इज द स्पेशल केस ऑफ चैनल, है ना, इट इज नोन एज बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। अच्छा ये बताओ, एक सोर्स है बेटा, एक सोर्स है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो दो पार्ट में स्प्रेड होगी, बात समझ में। तो अगर एक की प्रोबेबिलिटी को मैं जब 1/2 कहता हूं तो दूसरी की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 लेनी होगी, अगर एक की प्रोबेबिलिटी को मैं 3/4 कहता हूं तो दूसरी की प्रोबेबिलिटी 1/4 लेनी होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर एक चैनल है X1, इसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है बेटा, जब मैं सारी प्रोबेबिलिटीज वापस में ऐड करूंगा ना तो इसका जो टोटल सम है वो हमारा बन जाना चाहिए, बात समझ में आई, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है, अगर मैंने एक पॉइंट को क्रॉस किया है तो उसके दो आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी हेड और टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बात समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं इस टाइप की चैनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाऊंगा, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल बनाऊंगा, तो अगर मैं इसकी एक प्रोबेबिलिटी को p कंसीडर कर रहा हूं तो दूसरी की प्रोबेबिलिटी मुझे 1 - p कंसीडर करनी पड़ेगी, बात आता है समझ में। वैसे ही अगर मैं x2 ट्रांसफर किया हूं, x2 यहां पे दो पार्टिसिपेंट हो रहे हैं चैनल का, दिस वन एंड दिस वन, है ना, तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को अगर मैं p कह रहा हूं तो वी नीड टू कंसीडर इसकी प्रोबेबिलिटी केवल 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी केवल 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सभी को क्लियर हो रहा है? क्लियर बेटा सभी को? अच्छा, इस चीज से मैं एक डिसीजन से और पहुंच सकता हूँ, इस कॉन्सेप्ट में मैं एक डिसीजन से और पहुंच सकता हूँ। ये जो है इस प्रोबेबिलिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, y1 और x1 के बीच की जो प्रोबेबिलिटी होती है चैनल प्रोबेबिलिटी, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, p y1 upon x1 plus p y2 upon x1 plus p y3 equals to 1, हमेशा बात समझ आए। और ये अगर मैं कोई चैनल बनाऊंगा तो ये कहां पे लाई करेंगे, अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाऊंगा तो ये लाई करेंगे, इसे कहां से लाई करेंगे, p y1 upon x1 plus p y2 upon x1 plus p y3 upon x1 equals to 1, इसका मतलब मैं एक कॉलम को ऐड कर रहा हूं, बात समझ आए। तो जो पहला नंबर वाला एलिमेंट है वही हमारा y1 by x1 है, दूसरा वाला y1 by रो है, ये रो हो गया, तो ये हमारा p y1 by x1 हो गया, ये हमारा p y2 by x1 हो गया, और ये p y3 by x1 हो गया, बात समझ में आई सभी को, ठीक है। सभी को मैं आपस में डिवाइड कर रहा हूं, y1 by x1 y2 by x1 y3 by x1 सभी की जगह आपस में ऐड कर रहा हूं, तो बोल रहा हूं क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये छोटे-छोटे जो भी मैट्रिक्स के रूल्स हैं ये सब ध्यान रखिएगा, ओके। अब मैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी, ये जो हम लोगों ने चैनल बनाया है, मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं बाय यूजिंग मैट्रिक्स, तो मैं कैसे लिखूं चैनल मैट्रिक्स, कैसे रिप्रेजेंट करें, p y by x और मैट्रिक्स में इंक्लूड कर दिया, ठीक, और मैंने इनपुट्स कर दिया, टू इनपुट्स कर दिया, हां ये सिर्फ समझा लेते हैं,
How many binary symmetric chains are there in the matrix? Two inputs are there. That's why we are taking two rows here, and because of two columns, we are taking two columns. ठीक है? This one y1 by y1 by x1. Probability p. ये पहला element होता है p. ये क्या है y? Y1 by x1. Y2 by Y2 by X1 that means E1 by X1. This one is Y1 by X2. Y1 by X2 क्या है? Clear? Now the last one Y2 by X2. This one is Y2 by X2 minus. Clear बात यहाँ तक सभी को? ठीक है? अच्छा. Clear यहाँ तक सभी को? इसकी प्रोबेबिलिटी में चेंज भी कर सकता हूँ, ये भी सही है, सही है। इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे पी लिख दिया और मैं यहाँ पे वन माइनस पी कर दिया, है ना। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो वाई वन और एक्स टू के बीच में क्या हो जाएगा, वाई वन और एक्स टू के बीच में क्या हो जाएगा, ये वन माइनस पी हो जाएगा। दोनों सही है। अगर मैं यहाँ पे पी करके यहाँ पे वन माइनस पी किया, जैसा मैंने इससे पहले कहा था, यहाँ पी करके यहाँ पे वन माइनस पी किया था, तो रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स में अगर मैं यहाँ पे वन माइनस पी कह दिया और यहाँ पे पी कह दिया, तब मुझे वन माइनस पी और यहाँ पे पी देगा। बात समझ में? तो बुक्स में जनरली यही जो हमारा डायग्राम, ये वाला डायग्राम रहता है, यही हमारा रिप्रेजेंटेड रहता है, यू नो, मेंशन होता है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द बेसिक सिमेट्री चैनल। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द बेसिक सिमेट्री चैनल, नोट कर लीजिएगा। सो दिस वन इज ऑल अबाउट अ बेसिक सिमेट्री चैनल। This one is all about basic symmetry channel. Clear? Note कर लीजिएगा सभी। अभी मैंने जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, अभी आप लोगों को याद है, मैंने भी आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाया था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है और वो एक से ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर मैं दो ही, है ना, मैंने एक पॉइंट को टॉस किया, कितने आउटपुट आ रहे हैं? दो आउटपुट आ रहे हैं, एक की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक की प्रोबेबिलिटी 1/2, है ना। मतलब अगर कोई भी इवेंट से अगर मेरे दो आउटकम्स जनरेट हो रहे हैं, कोई भी अगर मेरा इनपुट है वो आउटपुट में दो इवेंट जनरेट कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को आपस में ऐड करने पर मुझे 1 मिलेगा। बात समझ रहे? तो यही जो मैंने आप लोगों को समझाया था, इसी को एक टेक्निकल वर्ड्स में एक आईडी डेफिनेशन के नाम पर नोट करते हैं, ठीक है। यू कैन नोट डाउन, ये बाइनरी सिमेट्रिक चैनल खत्म हो गया, ये हमारे चार टाइप के चैनल है ना, इसी के नीचे पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इन द चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इन द चैनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फॉलोज सम कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक के बाजू में रिलेशन मेंशन कर सकते हैं, फॉलोज सम रिलेशंस, दैट इज और दैट मींस p of y j डिवाइड बाय x ऑफ r इक्वल्स टू 1 व्हेन j इक्वल्स टू 1. नो डाउट, अभी जो मैं आप लोगों को समझा रहा था उसी के लिए, व्हेन जे इक्वल्स टू 1, व्हेन जे इक्वल्स टू 1 और व्हेन जे इक्वल्स टू 1 और एनी कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू? एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब जे की जगह 1 रहेगा तब भी है, जे की जगह 2 अगर मैं करूं तब भी है। बस ये हमारी मेन पर्पस ये है कि जो भी हम जे की वैल्यू को फिक्स होना चाहिए, मतलब ये जो y है वो फिक्स होना चाहिए, x को हम वैरी करें,
अगर वाई को हम फिक्स रखे एक्स को हम वेरी कर रहे हैं, दैट मींस हम लोग कॉलम की तरफ मूव कर रहे हैं। बात समझ आए? तो ये एक प्रॉपर्टी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, है ना, इसको प्रॉपर्टी को इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये भी प्रॉपर्टी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसमें हम लोग कॉलम को सेम रखे हैं और इनपुट को वेरी कर रहे हैं, है ना, कॉलम को सेम रखे हैं, इनपुट को हम लोग वेरी कर रहे हैं। नोट कर ली सर? चलो चलो, इसके बाद हमें म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ वो देखने का। अच्छा, ये जो मैंने अभी आप लोगों को कॉलम के लिए जो केस बताया ना, मतलब इसमें हम लोगों ने कॉलम को फिक्स रखा है, रो को वेरी किया है ना, यहाँ पे आई को अगर मैं वेरी कर रहा हूँ, आई से इन तक दैट मींस मैं इनपुट को वेरी कर रहा हूँ, दैट मींस देयर आर नंबर ऑफ इनपुट्स एंड ऑल द इनपुट्स आर कंसंट्रेटेड इनटू अ सिंगल आउटपुट, ऑल द इनपुट्स आर समड अप एंड मेकिंग अ सिंगल आउटपुट, है ना। इसका से क्लियर मतलब हुआ कि अगर मैं वाई को वेरी को फिक्स कर रहा हूं, बात समझ आए। और अभी से पहले जो मैंने एग्जांपल में आप लोगों को बताया था, उसमें मैं क्या कर रहा था, मैं नंबर ऑफ इनपुट को वेरी कर रहा था, मैं नंबर ऑफ आउटपुट को वेरी कर रहा था, नंबर ऑफ इनपुट जो हमारा सोर्स है वो हमारे सेम। बात समझ में? तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा इसको, ये जो हमारी प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा। अगला जो लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।